वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस ऑल द हैप्पीनेस। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, शेयरिंग माई वीडियोज एंड गिविंग सो मच ऑफ लव। तो गाइज, मेरा नाम है स्वाति रोहतगी। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो भी लोग लाइफ में ये जान गए कि हम अपने माइंड को अलाइन करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आज अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को बहुत फास्ट कर लेंगे और अपनी विशेज़ को बहुत जल्दी फुलफ़िल कर सकते हैं। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं बट हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उसके पीछे कारण क्या है, आज वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। किन कारण की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो होती हैं या काम नहीं करती हैं। तो देखिए, एक कहावत है कि जहाँ पे आपकी अटेंशन रहती है, जहाँ पे आपका फोकस रहता है, यूनिवर्सल एनर्जी वहीं पे फ्लो करती है ना। तो वेयर एवर इज़ योर फोकस, वेयर एवर इज़ योर अटेंशन, जहाँ पे भी आपका फोकस है, अटेंशन है, वहीं पे एनर्जी फ्लो होगा। वेयर एवर योर फोकस गोज, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एनर्जी कौन सी, जो आपकी इमोशनल एनर्जीज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मेरा अटेंशन, मेरा फोकस है कि मुझे लाइफ में लेट सपोज 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो मेरी अटेंशन अगर उस चीज़ के ऊपर लगी हुई है तभी ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वहीं पे फ्लो करेगी वो, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा अटेंशन, मेरा फोकस है गरीबी पर कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे आज तक ये नहीं मिला है, मैंने जितने पैसे कमाए वो हमेशा लॉस में ही गए हैं, तो अगर मेरा अटेंशन लैक पर है, कमी पर है, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी फ्लो होगी, लैक वाली एनर्जी फ्लो होगी। तो कहने का मतलब है, अगर मैं अंदर से अमीर फील करती हूँ तो यानी कि मेरी एनर्जी, मेरा अटेंशन अमीरी पर है, तो यूनिवर्सल एनर्जी उसी को ही बढ़ाएगी, वही चीज़ मेरे अंदर से बार बार फ्लो होती रहेगी और वो चीज़ मुझे लौट के मिलती रहेगी। क्योंकि ये तो आप सब जान ही गए होंगे, इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप जो भी चीज़ देते हो ब्रह्मांड को, जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स आप दे रहे हो, वही आपको लौट के मिल रही है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो जहाँ पे भी आपका अटेंशन, फोकस, जिस भी इमोशन पे, जिस भी फीलिंग पे रहेगा, आपकी सारी एनर्जी और इस कायनात की सारी एनर्जी वहीं पे फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो अब आप इसको अपने किसी भी केस पे लगा सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप्स पे लगा सकते हो। अगर आप हमेशा यही सोचते हो कि सारा फोकस, सारा टेंशन आपका किस पे रहता है, सामने वालों पे, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपको कि सामने वाला मेरी ये चीज़ फुलफ़िल कर दे, सामने वाला मेरे हिसाब से चल जाए, सामने वाला मुझे इस टाइम पे आई लव यू बोल दे, सामने वाला ये बोल दे कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सामने वाला बोल दे कि तुम कितना अच्छा अर्न कर रही हो, तुम कितनी अच्छी ड्रेसेस पहनती हो, और तुम्हारी सब, मतलब सब कुछ सामने वाले से उम्मीद रख रहे हैं, हमारा पूरा फोकस, पूरा अटेंशन वही है। तो यानी कि हम यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं कि हम हैं नहीं ऐसे, इसलिए हम सामने वाले से सुनना पसंद करते हैं। यानी कि हमें वो कमी महसूस हो रही है, तभी तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें ये सब चीज़ें आके बताएं। जो इंसान अपने आप को खूबसूरत समझता है, जो इंसान अपने आप को टैलेंटेड समझता है, वैल्यूएबल समझता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि सामने वाला मुझे कुछ आके कहे। सामने वाला बोले तो अच्छा और ना बोले तो और भी अच्छा, है ना। तो आज से आपको ये देखना है कि आपका अटेंशन, आपका फोकस कहाँ पर रहता है मैक्सिमम टाइम, उस चीज़ की कमी पर रहता है या उस चीज़ की फुलफिलमेंट पर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज की डेट में लेट सपोज आपके पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ होता हुआ आया है, आपको उस पर फोकस नहीं करना। अगर आप उस पर ही फोकस कर रहे हो, उसी पर ही आपके मन का 24 घंटे अटेंशन है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ नहीं बदलेगी, क्योंकि इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। लेट सपोज हम रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो आप वही सोचना स्टार्ट कर दो कि मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल हो चुके हैं, मैं जैसा रिलेशनशिप में चाहती हूँ वो सब चीज़ें वैसी चल रही हैं। तो अब आपने अपनी अटेंशन, अपनी फोकस वहीं पे लगाइए, तो आपकी एनर्जी वैसे ही फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और यूनिवर्स भी आपको वैसी ही एनर्जीज देना स्टार्ट कर देगा। जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ समय में आपकी एनर्जीज अलाइंड हो जाएंगी आपके थॉट से, आप देखेंगे कि जो चीज़ सालों से नहीं हो रही थी वो कुछ ही दिनों में लाइन पे आना स्टार्ट हो जाए। इसी वीडियो में आपको कौन सी बात समझ में आ जाए, इवन आई डोंट नो, है ना। क्योंकि कई बार बात एग्जाम्पल से, बात
समझाने के तरीके से किसी किसी को कोई समझ चीज़ समझ में आती है, किसी किसी को कोई चीज़ समझ में आती है। तो सब बातों का एक ही निचोड़ है कि आपको अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है, अपने इमोशंस पे ध्यान रखना है कि आपके मन में कौन से थॉट्स चलते हैं, कौन से इमोशंस को आप मैक्सिमम टाइम फील करते हो, बस वही यूनिवर्स आपको लौट के देता रहता है। तो आज से आपको ये देखना है कि आपका अटेंशन, आपका फोकस किस चीज़ पर रहता है। जिस भी चीज़ पे आपका फोकस अटेंशन मैक्सिमम टाइम रहेगा, वो ही चीज़ आपकी लाइफ में आपको मल्टीपल टाइम्स लौट के मिलेगी। तो आज से ये आपके हाथ में है।